आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज मोमोज की रेसिपी, साथ ही मैं आपको चटनी भी इस वीडियो में देखने को मिलेगी। बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये खाने में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका, स्वागत है आपका प्रियंका रेसिपी जोन में। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो वेज मोमोज बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 1.5 कप मैदा। इतने में आपके लगभग 20 से 22 मोमोज बनकर तैयार हो जाएंगे। इसे डालने के बाद में आप इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और साथ ही में 1 टीस्पून हम इसमें रिफाइंड ऑयल भी डालेंगे, और इसे अच्छे से अब मिक्स कर ले। इन सबको अच्छे से मिला लेने के बाद में अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 3/4 कप पानी लिया है, और इसे थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करते रहेंगे आटे में। और आप इसका एक अच्छा सा आटा लगा कर तैयार करें, जैसा हम पूरियों के लिए आटा लगाते हैं ठीक वैसे ही हमें इसका आटा लगाना है। देखिए थोड़ा मैंने इसको इस तरीके से मसल लिया है पहले। इस तरीके से आटे को मसलना बहुत ज़रूरी है, इससे ही आपके जो वेज मोमोज बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो मैंने इसमें टोटल कितना पानी लगा है वो बताया है। अभी मैंने आधा कप लिया था, और 1/4 कप मैंने इसमें बाद में ऐड किया, तो 3/4 कप पानी इसमें लग जाएगा। अब इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से मसल कर चिकना कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से मैंने इसे चिकना कर लिया है। अब इसे कवर करके हम लगभग 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 कप बंद गोभी ली है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 गाजर ली है, इसको भी कद्दूकस कर लिया है। तो वेजिटेबल्स को आपको बिल्कुल बारीक कट करना है, तो मैंने यहाँ पर कद्दूकस कर लिए है। एक छोटे साइज़ की यहाँ पर मैंने प्याज ले ली है, मैं इतना ही इनमें ऐड कर रही हूँ। अगर आप घर पे कुछ बना रहे हैं तो आप और भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च। अब यहाँ पर हम 1 चम्मच इसमें डालेंगे नमक, और इसे अच्छे से मिला लेंगे, और इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, ताकि जो वेजिटेबल्स है वो अपना पानी छोड़ दें। मोमोज की चटनी कैसे बनाते हैं ये वीडियो मैंने पहले अपलोड कर रखी है, वहाँ से जाकर भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, और 12 से 13 सूखे लाल मिर्च ली है, और इन्हें हम 8 से 10 मिनट के लिए गर्म पानी में उबाल लेंगे, ताकि टमाटर अंदर से सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट बाद आप देखेंगे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब गैस का फ्लेम आप बंद कर दें, और इसे स्टीमर वाली छलनी में छान लें, ताकि जो पानी है वो नीचे चला जाए। अब टमाटरों को हम पहले अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद में अब टमाटर के हम छिलके निकाल लेंगे, और टमाटर और लाल मिर्च को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी के जार में, और इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इसका पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में लगभग 2 टेबलस्पून तेल लिया है। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे 8 से 10 कुटे हुए लहसुन, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल दें, और इन्हें सोते कर ले। सोते होने के बाद में अब हम इसमें टमाटर और लाल मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सोया सॉस की ऐड की है, और 1/2 चम्मच शक्कर ऐड करेंगे, ताकि टेस्ट को बैलेंस कर सके। के हिसाब से इसमें डाल देंगे नमक, और 4 चम्मच मैं इसमें विनीगर के ऐड कर रही हूँ। अगर आप कम खट्टा खाते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच ऐड करें, तो मैं इसमें 4 चम्मच विनीगर के ऐड करूँगी। विनीगर ऐड करने के बाद में इसे मिक्स कर लेंगे, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 मिनट बाद आप गैस का फ्लेम बंद कर दें, और इसे अच्छे से ठंडा होने दें। देखिए कितना रेड कलर हो गया है चटनी का। आप इसे ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी के जार में, और मैं इसे फिर से ग्राइंड करने वाली हूँ। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बट मैं इसको फिर से ग्राइंड कर रही हूँ दोबारा से। और लीजिए हमारी मोमोज की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है, और अब आप इसे ट्रांसफ़र कर लें एक बाउल में। 10 मिनट हो गई है, अब वेजिटेबल्स चेक कर लेंगे। इन्हें स्क्वीज करेंगे हम, या तो आप किसी कॉटन के कपड़े से स्क्वीज कर ले, या हाथों की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल आराम आराम से आपको प्रेस करना है, बिल्कुल दबाना भी नहीं है इसका, बिल्कुल सारा पानी नहीं निकालना है हमें, बस थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस करें आप। तो इसी तरीके से मैंने सारा ही प्रेस करके वेजिटेबल्स से पानी निकाल लिया है, और देखिए जो पानी बचा है इसे आप आटा लगा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है ये पानी। अब इस वेजिटेबल्स में हम डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दें, थोड़ी सी मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ लगभग 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है क्योंकि हमने पहले भी इसमें नमक ऐड किया था। और अब इसे मिक्स कर लेंगे, इसे साइड में रख दे। अब हम आटा चेक करेंगे। तो मैंने आटे को लगभग 1/2 घंटे के लिए रखा था, आप 20 मिनट भी रख सकते हैं, मेरे पास टाइम था तो मैंने 1/2 घंटे के लिए रख दिया है इसको। और इसे अब अच्छे से हम मस लेंगे पहले आटे को, तो देखिए इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, इसको अच्छे से मसल कर चिकना कर ले।
तो यहाँ पर मैंने आटे को सरफेस पे रख लिया है और दोनों हाथों की मदद से हम आटे को इस तरीके से फैलाएंगे। देखिए इस तरीके से मसल मसल कर चिकना करेंगे। तो 2 मिनट के लिए आप आटे को इसी तरीके से मसल ले। देखिए मैंने इसे 2 मिनट के लिए मसल लिया है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो छोटे छोटे बिल्कुल बॉल बनाने हैं, जैसा कि आप मोमोज में देख रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे मोमोज बनते हैं। आप बड़े साइज के बना सकते हैं, आपको जितने मोमोज बनाने हैं उतने आप बॉल्स बना लें और इसे इस तरीके से पेल लेंगे। मैंने इसमें तेल का इस्तेमाल किया है पेलने में, आप इसमें मैदा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और देखिए इसे इस तरीके से पेल लें। देखिए कितना पतला बेला है मैंने इसे। अब हम सेंटर में स्टफिंग रखेंगे और इसकी प्लेट बनाते जाएंगे। तो पहले दोनों सिरों को जोड़ लें और फिर प्लेट के ऊपर प्लेट लगाते जाए और एक दूसरे से चिपकाते जाए। जैसे हम मोदक बनाते हैं ठीक वैसे ही इसे बनाना है। बहुत आसान तरीका है इसे बनाने का। और ये देखिए इस तरीके से इसे दबा दें, जैसे कैसे सकते हैं। देखिए मोमोज बनकर ऐसे तैयार हो जाते हैं। हम आपको दूसरा बनाकर भी दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मैंने इसे बेल लिया है। बेलने के बाद में इसे स्टफिंग डाल देंगे सेंटर में। ये देखिए इस तरीके से। अगर आप हाथ से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे किसी सरफेस पे रखकर भी कर सकते हैं। तो देखिए पहले इसे इस तरीके से प्रेस करेंगे, इस तरीके से जोड़ लें इसे, थोड़ा प्लेट बनाते जाए इसकी। ये देखिए आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लेट को प्लेट के ऊपर जोड़ना है। अगर आप ऐसे हाथ से नहीं कर पाते हैं तो आप सरफेस पे रख के भी इसे बना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका और बताती हूँ इसे बनाने का। तो देखिए मैंने इसे बेल लिया है फिर से और सेंटर में मैंने स्टफिंग को रख दिया है। तो पहले वाले ही करना है, जैसे हम मोदक बनाते हैं ठीक वैसे इसे प्लेट पे प्लेट लगानी है पहले। तो प्लेट हमें इसमें आधी लगानी है, पूरी में हम प्लेट नहीं लगाएंगे। और ये देखिए अब ये आधा हिस्सा मैंने छोड़ दिया है इसका। और इसे अब हम इसे चिपका देंगे। बहुत आसानी से ये चिपक जाती है। तो बहुत ही आसान तरीका है ये इसे बनाने का। तो आपको जो भी शेप अच्छे लगे आप उस शेप में इसे बना लें। तो मैं इसी तरीके से, तो सारे मैंने इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने 5 मिनट पहले ही कढ़ाई में 1 गिलास पानी डालकर इसको स्टीम होने के लिए रख दिया था। जो ये स्टीमर है इस पर मैंने तेल लगा दिया था। अब एक एक करके जो मोमोज है उसे डाल देंगे। जितने आते हैं उतने डाल दें, हमें इसको चिपकाना नहीं है दूसरे से। तो थोड़ा स्पेस देते हुए इन्हें रख दें आप। और अब हम इसे कवर करके लगभग 15 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। 15 मिनट बाद आप देखेंगे कि मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसे नाइफ की हेल्प से भी कट करके चेक कर सकते हैं, नाइफ बिल्कुल क्लीन आया है। इसे ठंडा कर ले और देखिए हमारे मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं खाने में। और आप इसे सर्व करें चटनी के साथ में। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ में।